हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर विनोद कामले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी सिक्योरिटी को सिक्योरिटी मतलब क्या डिवेंचर या शेयर्स वगैरह जो होते हैं उसको सिक्योरिटीज बोला जाता है जो फिजिकल फॉर्म में होता है फिजिकल फॉर्म मतलब क्या पेपर फॉर्म में होता है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसको डिट्रियलाइजेशन बोलते हैं। मतलब पेपर फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं रहेगा जो भी सिक्योरिटीज है वो देख सकते हो पर रिमेट्रियलाइजेशन जो होता है वो उसके अपोजिट होता है यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज थे या ऑनलाइन फॉर्म में जो सिक्योरिटीज थे उसको हमने क्या किया फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया So, यहाँ पे फिजिकल में से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन किया है उसको डिमेट्राइजेशन बोलेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिमेट्रियलाइजेशन कन्वर्जन सेम जो फर्स्ट पॉइंट बताया वैसे यहाँ पे पेपर फॉर्म में से आप डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो और रिमेट्रियलाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में से फिजिकल या पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो देन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं सो so, डी के डी आर एफ यूज करते हैं डी रिक्वेस्ट फॉर्म जिसको बोला जाता है ये डी आर एफ फॉर्म आपको फिलअप करके आपका जो डीपी है डिपोजिटरी पार्टिसिपेट उसको सबमिट करना पड़ता है फिर वो डिपोजिटरी को भेजता है और फिर डिपोजिटरी क्या करते हैं आपके जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज थे उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं रिमट्रिलान के लिए आपको करना पड़ता है, जिसको रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं क्या करना पड़ता है और डिपोजिटरी को भेजते हैं फिर कंपनी आप लोगों को फिजिकल फॉर्म का सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाता है तो यहाँ पे डीमट्रिलान रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब डीआरएफ भरना पड़ता है यहाँ पे रिमेट्रिलान रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब आरआरएफ भरना पड़ता है सीक्वेंस डी जो होता, initial process होता है इनिशियल रिमट्राइजेशन रिवर्स है मतलब ये पहले होता है और डीमट्राइजेशन मतलब जो है वो है का मतलब जो एन एस डी एल है और सी डी एस एल है उनका प्राइमरी और प्रिंसिपल फंक्शन है सबसे पहले ये होता है और रिमट्राइजेशन जो है वो डिपोजिट्री का सेकेंडरी या सपोर्टिंग फंक्शन है तो सीक्वेंस का मतलब क्या है कौन सी चीज पहले होती है कौन सी चीज बाद में होती है तो ऑब्वियसली डीमटेरियलाइजेशन प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शन है पहले होता है और रिमटेरियलाइजेशन जो है सेकेंडरी या सपोर्टिंग फंक्शन है जो बाद में होता है देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज आप सिक्योरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हो तो डीमटेरियलाइजेशन में आप लोगों का कोई भी यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है सिक्योरिटीज का मतलब जैसे शेयर सर्टिफिकेट जब फिजिकल फॉर्म में होते तो उसका एक नंबर होता है पर यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास सिक्योरिटीज है इसका कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है उसको फ्यूंजिबिलिटी बोलते हैं फ्यूंजिबिलिटी मतलब क्या कि कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए रिमेटर में क्या होता है जो आपके पास पेपर फॉर्म में सर्टिफिकेट है उसका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं है यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर होता है सिक्योरिटी मेंटेनेंस अथॉरिटी आपके सिक्योरिटीज किसके पास रहती है डीमेटर में आपकी सिक्योरिटी जो होती है वो डिपोजिटरी मतलब एनएसडीएल और सी इनके कस्टडी में होती है और रिमेट्राइजेशन के केस में क्या होता है कि इशूइंग कंपनी जो है जो सिक्योरिटी बेच रही है वो आपके सिक्योरिटीज का पूरा रिकॉर्ड रखती है प्लस आपका जो सिक्योरिटी है वो आपके पास ही रहता है खुद के पास रहता है सो so, पे आपके सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के कस्टडी में है यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर के कस्टडी में है नॉ डिफिकल्टी इन प्रोसेस जो होता वो ए, है वो एकदम ईजी प्रोसेस है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है यहाँ पे रिमेट्राइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है मतलब यहाँ पे आपने सीधा सीधा क्या किया एप्लीकेशन फॉर्म जो था आपका डी आर एफ वो भर के आपने डीपी को दिया डीपी ने फिर वो डिपोजिटरी को भेजा और फिर बाद में वहां से आपके सिक्योरिटीज को क्या किया कन्वर्ट किया गया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो एकदम इजी प्रोसेस है यहाँ पे आपको आरआरएफ जो होता है रिमेट्राइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म वो फिलअप करके डीपी को देना पड़ता है डीपी फिर वो डिपॉजिटरी uh, और कंपनी को भेजते हैं फिर कंपनी जो है वो क्या करती है आपको नया शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करती है आपके एड्रेस पे भेजती है और फिर वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करती है फिर डिपॉजिटरी आपका जो अकाउंट है ऑनलाइन वो कैंसिल करता है तो यहाँ पे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो ये एकदम इजी प्रोसेस है और ये एकदम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो दिस वॉज अ डिस्टिंगश बिटवीन डिमट्रलाइजेशन एंड रिमट्रलाइजेशन थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो